ज्ञान अभियान आपका अपना चैनल जहां आप खुद को अपनी क्लास की तरह महसूस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th, देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इसमें बताने हैं कि ये कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन कौन से नहीं है, और है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन में लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 4x² + 3x + 7, क्या ये है वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स? बिल्कुल है। इसका आंसर हो जाएगा यस, इट इज अ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल बिकॉज हेयर ओनली वन वेरिएबल दैट इज x, है ना। इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है x, इसलिए ये वन वेरिएबल में है। यस, हो गया इसका। दूसरे का आंसर देखते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, y² + √2, ये भी हो जाएगा यस, है ना। आंसर यही लिख देंगे, यस इट इज अ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल बिकॉज हेयर ओनली वन वेरिएबल दैट इज y, है ना। यही वाला स्टेटमेंट लिख देना है, सिर्फ x के जगह पे क्या लिख देना है, y लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या दे रखा है, 3√t + √2। तो अब यहाँ पे देखते हैं t क्या है, अंडर रूट है, तो t का पावर क्या हो जाएगा, t का पावर हो जाएगा 1/2। इट मीन्स ये फ्रैक्शन में आ गया, तो ये हो जाएगा नो बिकॉज t इज इन अंडर रूट और पावर ऑफ टी इज इन फ्रैक्शन, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या क्या, y + 2/y। तो ये y तो ठीक है क्योंकि इसका पावर 1 है, है ना। लेकिन इस y की अगर हम बात करते हैं तो इसका पावर -1 हो जाता है, है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स बिकॉज द पावर ऑफ y इक्वल टू -1। द पावर ऑफ y, इस वाले y का क्या हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगा, इसीलिए पॉलिनोमियल्स नहीं है इन वन वेरिएबल। और लास्ट वन, इसका भी आंसर हो जाएगा नो। क्या है, x^10, y^3 एंड t^50। तो यहाँ x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है ना। इन x^10, y^3 एंड t^50 देयर आर 3 वेरिएबल। x, y एंड t, है ना। यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये पॉलिनोमियल्स है लेकिन वन वेरिएबल के नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बताना है x² का कोएफिशिएंट क्या है। इट मीन्स x² के पहले इस जगह पे, है ना, यहाँ पे कौन सा नंबर है, इस नंबर को हमें बताना है। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, 2 + x² + x। हमें सिर्फ इस x को देखना है, x स्क्वायर को देखना है, बाकी किसी चीज को नहीं देखना है, यहाँ इतना सा देखना है, ठीक है, ये क्या चीज है, ठीक है। तो लिखेंगे कोफिशियंट ऑफ
एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, जब कुछ कोई नंबर नहीं होता है तो वन होता है, और ठीक है इसके आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि प्लस अंडरस्टूड होता है, हम समझ जाते हैं। ठीक है, इसका दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर थ्री, है ना, पावर सबसे बड़ा ये है, लेकिन हमने क्वेश्चन कह रहा था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है, है ना, एक्स स्क्वायर का, इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, या माइनस लगाना जरूरी है, पे कोई कौन सा नंबर है, वन तो होता ही होता है, इसके आगे माइनस है, इसलिए ये लिखेंगे माइनस वन। थर्ड पार्ट इसका देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, पाई अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसके आगे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, ये पूरा का पूरा नंबर पाई अपॉन टू लिख देंगे, पाई अपॉन टू, ये हो गया आंसर। और सबसे लास्ट फोर्थ पार्ट का देखते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या हो जाएगा, रूट टू एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, जीरो एक्स टू दी पावर टू प्लस रूट टू एक्स प्लस वन लिख सकते हैं, क्योंकि जब जीरो से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, इट मीन्स जीरो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पूछ रहा था तो एक्स स्क्वायर हमने ले लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशियंट ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, है ना। ऐसे अगर हम ये ना भी लिखें, डायरेक्ट ये जीरो लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमने ये बना दिया तो ये अच्छा हो जाएगा, है ना, ये बॉक्स के अंदर नहीं डालना है, ये हमने समझने के लिए बॉक्स के अंदर डाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायनोमियल्स, किसका बायनोमियल्स जिसके डिग्री क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए, और दूसरा है मोनोमियल्स और इसके डिग्री कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, हमें ये दो बनाने हैं, तो लिखेंगे बायनोमियल्स, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 इक्वल टू, बायनोमियल्स क्या होना चाहिए, इट मीन्स दो टर्म होने चाहिए ना, एक एक्स का टर्म होने चाहिए और दूसरा कुछ और टर्म होने चाहिए, जैसे हमने इसका ऐसे लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 35 प्लस इस जगह जो दिल करे वो लिख देंगे, है ना, 5 6 7 8 9 1 कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 2, है ना, ये हो गया एक एग्जांपल। मोनोमियल, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, है ना, इट मीन्स एक ही टर्म होना चाहिए, जिसमें से जैसे इसमें दो टर्म है वैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए, वन टर्म होना चाहिए, कुछ भी लिख देंगे एक्स टू दी पावर 100, ये हो गया हमारा आंसर। और इस जगह पे हम कुछ और भी लिख सकते हैं, इस जगह भी कुछ और लिख सकते हैं, जैसे मैंने इस जगह पे लिखना है हम लिख देंगे 2x to the power 35, 7x to the power 35, जो दिल करे वो लिख सकते। क्वेश्चन नंबर फोर है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स, तो डिग्री जब लिखने के लिए कहा जाए तो इसका मतलब उस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डिग्री जो होगा, हाईएस्ट पावर होगा, वो उस इक्वेशन का डिग्री कहलाएगा। तो सॉल्यूशन लेते हैं, फर्स्ट 5x to the power 3 plus 4x to the power 2 plus 7x, तो इसमें सबसे ये पावर 3 है 2 है और ये कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया, 3, तो लिखेंगे डिग्री इक्वल टू 3 बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 3, है ना। इसी तरह से दूसरे का क्या लिख देंगे, 4 माइनस वाई टू दी पावर 2, तो यहां पे क्या हाईएस्ट तो क्या है, पावर 2, है ना, लिखेंगे डिग्री इक्वल टू 2 बिकॉज
हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 2। तीसरा क्या है 5t माइनस रूट 7, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू टी के ऊपर पावर जब कुछ दिखे नहीं तो इसका मतलब पावर 1 होता है, जब कोई पावर नहीं होता है तो इसका मतलब पावर 1, तो डिग्री इक्वल टू 1 बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ टी इक्वल टू 1, है ना, टी का हाईएस्ट पावर, इसमें टी वेरिएबल है तो टी का कितना हो जाएगा 1, इसीलिए ये डिग्री हो जाएगा 1। ये थर्ड क्वेश्चन। अब लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सिर्फ 3 दे रखा है, तो अब यहाँ पे तो x है ही नहीं, जब x है नहीं तो x का पावर क्या होगा, ठीक है, तो पहले हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं कि इसमें एक वेरिएबल आ जाए, तो वेरिएबल लिखने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x to the power 0, है ना, क्योंकि जब किसी चीज के ऊपर पावर 0 हो जाता है उसका वैल्यू 1 होता है। देखो हम इसको पहले सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि हमने जो लिया वो सही है या नहीं, रफ में ले लेते हैं, है ना, 3x के ऊपर पावर 0 हमने लिया, इट मीन्स जब किसी चीज के ऊपर पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है, इट मीन्स क्या हो गया ये 3 × 1 = 3, है ना, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया तब यहाँ पे, लेकिन हमको जो मिलना था x के ऊपर पावर वो मिल चुका है, x के ऊपर पावर क्या हो गया 0, तो डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू 0 बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 0। फोर्थ हमारा कंप्लीट हो गया, अब लास्ट क्वेश्चन 5 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, बताना है ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है, कैसे पहचानेंगे लीनियर, जिसमें कोई पावर ना हो वो लीनियर, इट मीन्स कोई पावर, मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर 1 हो तो लीनियर, है ना, क्वाड्रेटिक जिसके हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक, और जिसके हाईएस्ट पावर 3 हो वो क्यूबिक कहलाता है ना, जिसमें पावर 2 मतलब हाईएस्ट पावर जो डिग्री है वो 2 हो तो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक, और अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर, और डिग्री 3 हो तो क्यूबिक, तो पहचान जाएंगे, है ना, इसके ऊपर कितना डिग्री आ रहा है, ये हाईएस्ट डिग्री 3 आ रहा है तो ये हो जाएगा क्यूबिक। सबसे पहले पहला देखते हैं, पहला हो गया इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, एक्स टू दी पावर 2 प्लस एक्स, तो हाईएस्ट डिग्री एक्स का क्या है 2, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक, ठीक है। दूसरा x माइनस एक्स टू दी पावर 3 हाईएस्ट पावर 3 तो ये क्या आ जाएगा क्यूबिक। तीसरा इसके हाईएस्ट पावर क्या है 2 तो ये भी हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ठीक है इसके हाईएस्ट पावर 1 प्लस एक्स ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स, एक्स का हाईएस्ट पावर 1 है ना, इसके ऊपर कोई पावर जब ना दिखे तो 1 होता है, इस तरह से ये पावर हो गया 1 तो ये क्या हो जाएगा लीनियर। ठीक है 3t इसके ऊपर पावर यहाँ पे 1 ये भी लीनियर, इसके ऊपर पावर 2 ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ठीक है इसके ऊपर पावर 3 ये हो जाएगा क्यूबिक, है ना, ये हमने फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अभी जो हमने क्वेश्चंस बताए ये आपको शायद समझ में आ गए होंगे, अगर समझ में ना आए ठीक है, या और कुछ आपको पूछना हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट्स में इसके लिए क्वेश्चंस कर सकते हैं, हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको उसका रिप्लाई दें। ज्ञान अभियान चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को देखें और अपने हर प्रश्न के लिए हमें व्हाट्सएप करें। इस चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद।